क्लास 11, वेलकम बैक टू अवर चैनल शिक्षक जंक्शन, क्योंकि अब नहीं तो कब। दिस इज आयुषी अग्रवाल एंड वी विल कंटिन्यू अवर टॉपिक ऑन द न्यूक्लियस पार्ट। डायग्राम आपको बोर्ड पर बना हुआ दिख ही रहा है, ऑल्दो मैंने बोला था कि मैं नेक्स्ट टाइम डायग्राम नहीं बनाऊंगी, बट बिकॉज ऑफ माई हैबिट मैंने उसको बना दिया है और हम फिर से इसी डायग्राम को रेफर करके बाकी की कुछ और जो स्ट्रक्चर्स हैं हमारे न्यूक्लियस के वो डिस्कस करेंगे। देखो जरा, हमने लास्ट क्लास में अपना किसके बारे में बात कर ली थी, इस न्यूक्लियर एनवलप के बारे में बात कर ली थी हमने, है ना। और इसी के साथ हमने अपना ये जो न्यूक्लियर पोर है इसको भी डिस्कस कर लिया था। मैं इसकी शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ क्योंकि ये शॉर्ट फॉर्म ऑलरेडी हम अपने लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं। अगर आपने लास्ट लेक्चर विजिट नहीं किया तो डू दैट, बिकॉज इट वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके बेसिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सिर्फ एग्जाम के व्यू से हमें नहीं पढ़ना है, हमें अपना बेसिक भी स्ट्रांग बनाना है सो दैट वी विल नॉट फेस प्रॉब्लम इन आवर हाइयर स्टडीज। एंड आई एम श्योर, या फिर आई गारंटी यू, आई विल मेक दैट थिंग इफ यू स्टे कनेक्टेड विद मी। फॉर दैट यू हैव टू सब्सक्राइब द चैनल इफ यू हैव नॉट डन दैट सो फार। ओके, चलो अब अंदर की तरफ जा रहे हैं हम अपने न्यूक्लियस से। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये हम अलग से अपने ऑर्गेनरी वाले पार्ट में डिस्कस करेंगे। हम अंदर की तरफ जाएंगे और किसके बारे में डिस्कस करेंगे, यहाँ पर जो हमारा फ्लूइड प्रेजेंट होता है दैट इज नोन एज दिस न्यूक्लियोप्लाज्म। सो वी विल टॉक अबाउट दिस न्यूक्लियोप्लाज्म इन डिटेल। ठीक है, देखो मैंने आपको बता दिया कि फ्लूइड फिल्ड मैट्रिक्स है एक्चुअली में ये न्यूक्लियोप्लाज्म। किस किस के बीच में प्रेजेंट है? इट इज प्रेजेंट बिटवीन आवर न्यूक्लियर एनवेलप एंड न्यूक्लियोलस। ठीक है, न्यूक्लियोलस हमने अपने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था क्या होता है। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पर, यही है न्यूक्लियोलस। अभी और डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, बट दिस न्यूक्लियोप्लाज्म इज प्रेजेंट और इज एनक्लोज्ड विद इन दिस न्यूक्लियर एनवेलप एंड द न्यूक्लियोलस। अदर नेम विच यू कैन गिव टू दिस न्यूक्लियोप्लाज्म इज द न्यूक्लियर लैमिना। ठीक, इसके अलावा इसको एक और नाम देते हैं हम, वो है कैरियोलिम्फ। देखो कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस और उसके पास जो लिम्फैटिक जो सिस्टम प्रेजेंट है या फिर जो हमारा फ्लूइड प्रेजेंट है उसको हमने नाम दे दिया कैरियोलिम्फ। सो दीज आर दी अदर नेम्स ऑफ दिस न्यूक्लियोप्लाज्म इटसेल्फ। मैंने आपको इसीलिए बता दिया कि आप कंफ्यूज ना हो। अब इस न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या क्या सस्पेंडेड है, देखो जरा। दो चीज़ें तो हमें अपने डायग्राम से ही दिख रही हैं, कौन कौन सी हैं वो दो चीज़ें? एक तो है ये न्यूक्लियोलस, दूसरा ये थ्रेड लाइक सब्सटेंसेस दैट यू कैन इजीली सी इन द डायग्राम। लेकिन उसके अलावा इस न्यूक्लियोप्लाज्म में कुछ ऐसी एंजाइम्स भी प्रेजेंट होती हैं दैट इन टर्न हेल्प इन द रेप्लिकेशन प्रोसेस ऑफ द डीएनए। कैसे? जब हमारा सेल डिवीजन के लिए जाता है तब उसके पहले, सेल डिवाइड होने से पहले हमारा ये जो क्रोमोसोम है वो डिवाइड हो चुका होता है ना। रेप्लिकेशन उससे पहले ही कंप्लीट हो जाता है ड्यूरिंग दी एस फेज ऑफ द सेल साइकिल। तो उस एस फेज के लिए जितनी भी एंजाइम्स रिक्वायर हैं हमारे सेल को वो सारी चाहिए और वो सब किस में प्रेजेंट है? इसी न्यूक्लियोप्लाज्म में या फिर न्यूक्लियर लैमिना में। तो दिस कंटेन्स ऑल द एंजाइम दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द रेप्लिकेशन एज वेल एज द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। अब ये दोनों क्या होते हैं वो आप डिटेल्स में पढ़ेंगे, यू डो नॉट हैव टू वरी अबाउट दैट। देखो मैं आपको इसीलिए अभी उनकी टर्मिनोलॉजीज के बारे में एक्सप्लेन नहीं करती हूँ क्योंकि जब हम डिटेल में वो चैप्टर अपना देखेंगे तब हम वैसे ही पढ़ने वाले हैं ना। अभी आपको चीज़ें रिलेट करते हुए चलना है। अभी आप यहाँ जो चैप्टर में पढ़ रहे हो उसको आपको आगे के लेक्चर से रिलेट करना है एंड दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन द स्टडीज। अगर आप रिलेट नहीं कर पाते देन ऑब्वियसली देर इज नो यूज। ठीक, तो इट कंटेन्स द एंजाइम फॉर द रेप्लिकेशन एंड द ट्रांसक्रिप्शन पर्पस। ओके, इसके अलावा इसमें कुछ और चीज़ें जो प्रेजेंट हैं वो है प्रोटीन्स, ऑब्वियस ही बात है। उसके अलावा आरआरएनए भी प्रेजेंट होता है ना। आरआरएनए के साथ में राइबोसोम्स भी हमारे प्रेजेंट होते हैं और ये राइबोसोम्स कहाँ से बनेंगे अब हम जाएंगे अपने दूसरे पे। आई थिंक दिस न्यूक्लियोप्लाज्म इज वेरी मच क्लियर टू यू, इफ नॉट देन यू आर फ्री टू आस्क योर डाउट्स थ्रू दी
एन नंबर ऑफ फ्रूट्स विच वी हैव गिवन यू और विच वी हैव प्रोवाइडेड टू यू थ्रू दी चैनल. ठीक है, कॉमेंट सेक्शन है आपके पास, जीमेल है आपके पास, नंबर भी है, यू हैव फेसबुक पेज ऑल्सो. तो जहाँ पर भी आपको अच्छा लगे अपने कमेंट्स वहाँ पर, अपने जो क्वेरीज हैं वहाँ पर भेज दीजिए हमको, वी विल सॉल्व योर डाउट्स. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूक्लियोप्लाज्म. अच्छा, इस न्यूक्लियोप्लाज्म में हमने ये तो लिख दिया, लेकिन इसमें वही नहीं लिखा जो आपको डायग्राम में दिख रहा है, दैट इज दिस डीएनए. और डीएनए किसके फॉर्म में है या किसके साथ बना हुआ है, दैट इज इन इन दिस क्रोमेटिन. उससे पहले मतलब क्रोमेटिन फाइबर्स को डिस्कस करने से पहले हम दूसरे स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे अपने, जो इस कैरियो लिम्फ में ही सस्पेंडेड है. और वो क्या है हमारा स्ट्रक्चर, देखो जरा डायग्राम में, ये दिस इज न्यूक्लियोलस. इन द लास्ट लेक्चर आई हैव टोल्ड यू द डिफरेंस बिटवीन द न्यूक्लियोलस एंड द न्यूक्लियोइड. डू नॉट एवर ट्राई टू फॉरगेट दैट, बिकॉज दीज टू टर्मिनोलॉजीज आर वेरी कन्फ्यूजिंग एंड आई हैव टोल्ड यू द डिफरेंस एंड दैट डिफरेंस इज अ मेजर डिफरेंस. ऐसा नहीं है कि कोई माइन्यूट सा डिफरेंस है आप भूल सकते हो उसको, नो, यू कैन नॉट अफोर्ड टू फॉरगेट दैट. ठीक, अब देखो जरा न्यूक्लियोलस क्या है, इट इज अ स्ट्रक्चर. एक्चुअली स्ट्रक्चर भी नहीं बोलते हैं हम न्यूक्लियोलस को, हम न्यूक्लियोलस को एक न्यूक्लियर बॉडी की तरह टर्म करते हैं. ठीक है, अब इस न्यूक्लियर बॉडी की तरह टर्म क्या है, इसका मतलब इसके खुद के अंदर एक ऑर्गेनेल प्रेजेंट है, एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं अपना राइबोसोम. ठीक, दिस न्यूक्लियोलस इज द राइबोसोमल फैक्ट्री. यहीं से हमारे राइबोसोम्स बनेंगे और इसीलिए हमारा जो न्यूक्लियोलस है दैट इज मेड अप ऑफ RRNA एंड ऑब्वियसली द राइबोसोम, क्योंकि राइबोसोम तो बना ही रहा है. राइबोसोम्स भी कैसे बनते हैं, RRNA के साथ बनते हैं. ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस RRNA सिंथेसाइजिंग रीजन्स एंड दोज क्रोमेटिन फाइबर्स एसोसिएटेड विद दीज सेंटर्स आर नोन एज न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन्स और न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग सेंटर्स. ठीक है, क्यों बोला हमने न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग सेंटर्स, बिकॉज द क्रोमेटिन दैट यू माइट सी इन दिस न्यूक्लियोलस इज एसोसिएटेड विद द मैन्युफैक्चर ऑफ द RRNA एंड RRNA इन टर्न लीड्स टू द सिंथेसिस ऑफ द राइबोसोम्स ऑफ द प्रोटीन्स. दैट इज वाई दिस न्यूक्लियोलस कंटेन्स दिस न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन्स और न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग सेंटर्स. शॉर्ट फॉर्म भी इसकी NOR लिखी जाती है कहीं कहीं पर, अगर आपको मिले तो कन्फ्यूज मत करना, ये नीदर नॉर वाला NOR नहीं है. ठीक है, ये NOR है, दैट इज द न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग सेंटर. ठीक, अब देखो न्यूक्लियोलस के बाद क्या, न्यूक्लियोलस से भी क्या निकल में, हमारे ये फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दैट यू आर सीइंग है सस्पेंडेड विद इन द न्यूक्लियोप्लाज्म. तो ये एक्चुअली में क्या है, ये एक्चुअली में है हमारे क्रोमोजोम. ठीक है, लेकिन ये क्रोमोसोम बाद में बनेंगे. जो आपको ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स यहाँ पर डायग्राम में दिख रहे हैं दैट आर नॉट क्रोमोसोम, दैट आर एक्चुअली द क्रोमेटिन फाइबर्स. बट हम पढ़ेंगे इसको क्रोमोसोम के तरीके से ही. देखो मैं डायग्राम इसीलिए नहीं मिटा रही हूँ सो दैट यू कैन हैव अ लुक. इफ एट ऑल आप भूल रहे हो कुछ भी चीज़ों को तो आपको बार बार डायग्राम को देख के वो सारी चीज़ें याद हो जाएं. ठीक है, देखो अब हम क्या पढ़ेंगे, क्रोमोसोम ही पढ़ेंगे एक्चुअली में. बट हमें जो डायग्राम में दिख रहा है दैट आर नॉट क्रोमोसोम, दैट आर दी क्रोमेटिन फाइबर्स. जो हमारा डीएनए है उसको इनकॉर्पोरेट करने के लिए दीज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आर देयर विद इन द न्यूक्लियस एंड दे आर नोन एज दी क्रोमेटिन फाइबर्स. ठीक है, क्रोमेटिन फाइबर्स या फिर क्रोमेटिड्स, तो उसकी जो आर्म्स होते हैं उसको बोलेंगे. लेकिन दिस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच इज देयर इज नोन एज दिस क्रोमेटिन फाइबर्स. दिस क्रोमेटिन फाइबर्स कंटेन द डीएनए दैट इज रैप्ड अराउंड द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एंड दैट पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इज नोन एज न्यूक्लियोसोम. तो वॉट एक्चुअली दिस न्यूक्लियोसोम इज, इट इज द डीएनए प्लस द प्रोटीन्स अराउंड विच दिस डीएनए इज रैप्ड एंड दीज प्रोटीन्स आर नोन एज द हिस्टोन प्रोटीन्स. डिटेल्स हम अपने जो चैप्टर आएगा हमारा न्यूक्लियोटाइड्स कैसे डीएनए फॉर्म होता है उसका, वही दोनों नाम अभी जो हमने पढ़े थे रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन, वो सब हम पढ़ेंगे. ठीक है, बट आपको अभी याद रखना पड़ेगा कि द डीएनए दैट इज प्रेजेंट विद इन दिस क्रोमेटिड फाइबर्स इज इन द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियोसोम. दीज न्यूक्लियोसोम्स आर पैक्ड सच दैट द डीएनए गेट्स इनकॉर्पोरेटेड इनटू इट. हाउ, देखो मैं एक डायग्राम भी आपको चलो अभी थोड़ा सा बता देती हूँ. ठीक है, देखो जैसे ये है हमारा हिस्टोन का प्रोटीन, मैं सिर्फ आपको एक रिजेम्बलिंग स्ट्रक्चर प्रोवाइड करा रही हूँ सो दैट यू कैन हैव एन आइडिया हाउ दिस डीएनए इज पैक्ड इनटू इट. ये है हिस्टोन प्रोटीन हमारा.
ठीक। इसके ऊपर जो हमारा डीएनए है वो कुछ इस तरीके से रैप्ड होता है। ये रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट आई एम ड्राइंग ऑन द बोर्ड इज द डीएनए पार्ट, ठीक है। डबल हेलिकल डीएनए का स्ट्रक्चर होता है और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम, ठीक है। तो डीएनए इज पैक इन द फॉर्म ऑफ दिस न्यूक्लियोसोम इज अरेंज एंड इट मेक्स दिस क्रोमेटिन फाइबर्स। नाउ व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग द सेल डिवीजन इज दीज क्रोमेटिन फाइबर्स गेट्स कंडेंस्ड इन द फॉर्म ऑफ व्हाट वी गेट आर दीज क्रोमोसोम। सिर्फ सेल डिवीजन के टाइम पर ही ऐसा होगा कि ये क्रोमेटिन फाइबर्स कंडेंस होंगी और तब हमको माइक्रोस्कोप के अंदर दिखेंगी, ठीक। जब आप सेल डिवीजन भी डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि कैसे ये क्रोमेटिन फाइबर्स कंडेंस होती हैं और क्रोमोसोम बनाती हैं। अभी आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहा है, कंडेंस होके क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कुछ हमको इस तरीके का दिखता है विद इन द माइक्रोस्कोप। सो दैट इज हाउ द कंडेंसेशन गोज ऑन स्पेशली ड्यूरिंग द सेल्स, स्पेशली क्या ड्यूरिंग द सेल साइकिल ही होता है वो, क्योंकि सेल डिवाइड कर रही होती है तब ये कंडेंस हो जाते हैं और हम इसको बोलते हैं क्रोमोसोम, ठीक है। क्रोमोसोम में डीएनए कैसे प्रेजेंट है वो भी हमने पढ़ लिया। न्यूक्लियोसोम का मॉडल बनता है, न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर बनता है जिसमें हमारा डीएनए रैप्ड रहता है किसके अराउंड, बेसिक प्रोटीन्स के अराउंड जिसको हमने बोला है हिस्टोन, ठीक। तो ये तो हो गया न्यूक्लियस के बारे में कुछ बात। अच्छा अब अगर क्रोमोसोम के बारे में कुछ और जनरलाइज्ड बातें अगर हम आपको बताएं तो देखो आपको जो हमेशा से हमेशा याद रखना पड़ेगा वो ये है कि ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म हैज अ डेफिनेट नंबर ऑफ क्रोमोसोम विद इन इट्स सेल्स, ठीक है। बॉडी की सारी सेल्स के अंदर डेफिनेट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ही प्रेजेंट होंगे। ह्यूमंस के केस में तो आपको याद भी होगा कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, वी हैव 46 क्रोमोसोम्स और वी हैव 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। अब इसको डिप्लॉयड और हैप्लॉयड कंटेंट की टर्म्स में अगर हमको लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, ये है हमारा डिप्लॉयड कंटेंट दैट इज 2n और ये 23 पेयर जो है दैट इज द हैप्लॉयड कंटेंट, ठीक है। डिप्लॉयड और हैप्लॉयड में आई थिंक आपको डिफरेंस पता है, अगर नहीं पता है देन डू आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन इफ यू आर नॉट वेरी क्लियर अबाउट दिस पर्टिकुलर डिफरेंस। उसके अलावा कुछ और एग्जाम्पल्स अगर मैं लूँ, चलो एलिफेंट का एक एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है। एलिफेंट के में डिप्लॉयड कंटेंट कितना प्रेजेंट होता है एलिफेंट्स के केस में, इट इज़ 56, ठीक है। 56 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं एलिफेंट के केस में, या फिर हम 28 पेयर्स भी बोल सकते हैं क्योंकि डिप्लॉयड कंटेंट यहाँ पे हमने लिखा है। इसके अलावा प्लांट की अगर बात करें तो मेज के केस में अगेन डिप्लॉयड नंबर ऑफ कंटेंट दैट इज 20। अच्छा एक और एग्जाम्पल, स्पेशल एग्जाम्पल है, ये अलग केस है इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर आपके लिए कोट किया है, दैट इज 6N, ठीक है। 6N का मतलब है हेक्साप्लॉयड कंटेंट है, ये कुछ प्लांट की वेराइटीज में हेक्साप्लॉयड कंटेंट भी प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम्स का। और ये क्यों प्रेजेंट होता है ये जब आप प्लांट ब्रीडिंग पढ़ेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो दिस एग्जाम्पल ऑफ मेज वीड विच कंटेन 6N नंबर इट इज 42। तो हैप्लॉयड कंटेंट है इसका 42 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। दैट मीन्स कि ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म हैज अ डेफिनेट नंबर और डेफिनेट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन ईच एंड एवरी सेल। हाँ गैमेटिक है, अगर वो जर्म सेल है तो बात अलग है, तो उसमें जो है हैप्लॉयड कंटेंट ही प्रेजेंट होगा अगर वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है तो, ठीक है। अगर नहीं है और डिप्लॉयड कंटेंट है बाकी सारी सेल्स हैं सोमैटिक सेल्स हैं तो डिप्लॉयड नंबर होगा या फिर हेक्साप्लॉयड भी हो सकता है जैसा कि हमने अभी बोर्ड पर देखा, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूक्लियस पार्ट, दिस इज एंडोमेम्ब्रेन और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच वी विल टॉक अबाउट व्हेन वी विल डिस्कस अबाउट द सेल ऑर्गेनली इन डिटेल। इनफैक्ट दिस इज RER। चलो अब अपने नेक्स्ट लेक्चर से तो हम इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर शिफ्ट होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक और जनरल इन्फॉर्मेशन बिफोर गेटिंग इन टू दैट पर्टिकुलर लेक्चर इन डिटेल, ठीक है। अब हमें न्यूक्लियस से ही पढ़ना, अब हम नेक्स्ट लेक्चर से अपना क्या कंटिन्यू करने वाले हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका मतलब ये नहीं है कि ये वाला लेक्चर खत्म हो गया, दो मिनट की बात और बतानी है मेरे को आपको, इम्पोर्टेंट पॉइंट है एक। इसीलिए देखो जरा एक वर्ड मैंने बोर्ड पे लिखा है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। इस एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम को मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये एक्चुअली में क्या होता है और क्यों इम्पोर्टेंट होता है, और मतलब मैं यहाँ इस लेक्चर में आपके साथ क्यों डिस्कशन कर रही हूँ, तो उसका तो सीधा सीधा लॉजिक यही है कि नेक्स्ट लेक्चर से हम अपना ये ER स्टार्ट करने वाले हैं तो उसका बेसिक यहाँ पे बना रही हूँ मैं, ठीक है।
अच्छा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, देखो ईच एंड एवरी सेल ऑर्गेनली दैट इज प्रेजेंट विद इन अ सेल वर्क्स इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर। अभी तक आपको ये बात क्लियर हो गई होगी, अगर सेल के अंदर जितनी भी ऑर्गेनलीज प्रेजेंट हैं वो कोऑर्डिनेटेड मैनर में वर्क नहीं करेंगी, देन ऑब्वियसली द सेल कैन नॉट परफॉर्म द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज विच इज एक्चुअली इट्स फंक्शन, है ना। अदरवाइज जो हमारे सेल का बेसिक डेफिनेशन है, इट इज़ द स्ट्रक्चरल बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, वो बिल्कुल बेकार हो जाएंगी अगर ऐसा नहीं होगा तो। लेकिन कुछ ऑर्गेनली सेल्स की ऐसी होती हैं जो और भी ज़्यादा एक दूसरे पे डिपेंड हैं, स्पेशली व्हेन दे आर इन्वॉल्व इन द प्रोटीन एंड लिपिड सिंथेसिस। ठीक, जब तक मैं लिख रही हूँ तब तक आप क्या कर सकते हो पता है, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर सकते हो, एंड डू नॉट फॉरगेट टू डू दैट, ओके। और हाँ, अगर कोई डाउट भी आ रहा है तो साथ साथ में वो भी लिखते जाओ ताकि आपके डाउट्स क्लियर होते जाएं, ठीक है। अच्छा देखो, अब किसकी बात कर रहे थे, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की आप पढ़ चुके हो, ये सब ईजी है, बस थोड़ा वर्ड नया है। अगेन बायोटेक्नोलॉजी इज ऑल अबाउट द न्यू टर्मिनोलॉजीज दैट आर इंक्लूडेड विद इन, ठीक। तो लिपिड और प्रोटीन की सिंथेसिस की जब बात आती है तब हमारे सेल के अंदर कुछ ऑर्गेनेलीज स्पेशली अलग होकर, मतलब सेल से अलग नहीं होंगी लेकिन वो आपस में जैसे होता है ना कि हम लोग कभी कभी अलग से, वैसे तो हमारा पूरा क्लास है तो वी आर ऑल फ्रेंड्स, लेकिन कुछ लोग कुछ बच्चों का आपस में थोड़ा अलग ग्रुप हो जाता है, थोड़ी अलग बॉन्डिंग हो जाती है। तो ऐसा ही होता है प्रोटीन और लिपिड की सिंथेसिस के साथ भी, सेल की कुछ ऑर्गेनेलीज इन प्रोटीन और लिपिड की सिंथेसिस के अलावा इनकी ट्रांसपोर्टेशन में, इनकी प्रोसेसिंग के लिए बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेटेड एक्शंस शो करती हैं। तो उन सारी ऑर्गेनलीज को हम किसके अंदर पढ़ते हैं, वी स्टडी अंडर दिस एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंड व्हाट आर दोज पर्टिकुलर ऑर्गेनलीज विच आर इन्वॉल्व इन दिस एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, दोज ऑर्गेनलीज आर, सबसे पहले तो आएगा हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक। उसके बाद आता है हमारा गॉल्गी कॉम्प्लेक्स, मैं सारी ऑर्गेनलीज आपको पढ़ाऊंगी, डू नॉट वरी अबाउट दैट, ठीक है, अलग अलग लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे। इसके बाद आएगा हमारा लाइसोसोम, और फिर उसके बाद आएगा हमारा वैक्यूल। तो ये सारी की सारी ऑर्गेनलीज, ये जो चार ऑर्गेनलीज हैं, ये आपस में प्रोटीन और लिपिड की सिंथेसिस, ट्रांसपोर्टेशन और प्रोसेसिंग के लिए इतनी ज़्यादा कोऑर्डिनेटेड वे में लगी हुई हैं कि दे आर इंक्लूडेड विद इन अ सेपरेट सिस्टम ऑफ अ सेल। सेपरेट वैसा नहीं कि अलग निकाल लिया हमने उसको, बस एक अलग सी बॉन्डिंग बना ली उन्होंने, इसीलिए हमने उनको एक अलग नाम दे दिया, दैट इज दिस एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो इसी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के साथ हम अपने जो ऑर्गेनलीज हैं उसको नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। और कहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं हम, वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम दिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वाई? बिकॉज वी हैव लर्नड अबाउट द न्यूक्लियस इन दिस लेक्चर एंड द प्रीवियस लेक्चर। द आउटर मेम्ब्रेन, सी अगेन आई एम टेलिंग यू, द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ दिस न्यूक्लियर एनवेलप इज इन कॉन्टिन्यूएशन विद अनदर ऑर्गेनली, दैट इज दिस RER और दिस SER, ठीक है। डिफरेंस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू एंड विल अगेन टोल्ड यू इन द नेक्स्ट लेक्चर व्हेन वी विल टॉक अबाउट दिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन डिटेल, ठीक। तो नेक्स्ट लेक्चर से वहाँ से स्टार्ट करेंगे, टिल देन टेक केयर, एंड ऑब्वियसली फिर से इफ यू हैव एनी डाउट्स डू आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन, आई एम देयर टू हेल्प यू आउट। एंड इफ यू वॉन्ट द नोट्स ऑफ ऑल दिस वट एवर वी आर स्टडिंग, मैंशन योर जीमेल ID देन एंड देयर, और जस्ट मेल मी एट shikshakjunction@gmail.com saying ki you require the notes, I'll send you the PDF notebook or the PDF copy of these particular notes, theek hai। Chalo milenge next lecture mein, till then take care, have a good day, bye bye all of you, thank you।